भारतीय सेना का कमांडो स्कूल। 15वां दिन, आधी रात हो चुकी है और इन्हें चेकपॉइंट 5.857 की लोकेशन दे दी गई है, जो 11 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने का आइडियल टाइम है 3.5 घंटे। अब आखिरी 2 चेकपॉइंट बचे हैं और सब बुरी तरह से थक चुके हैं। पिछले 14.5 घंटों से ये लगातार चल रहे हैं। कमांडो राठी ने अब सबक सीख लिया है और इस बार जोखिम ना उठाते हुए वो सड़क वाला रास्ता आजमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सड़क का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। उस रोड पे वेजिटेशन आ गई एंड वो रोड उसको ढूंढना स्पेशली नाइट में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमें एक छोटा सा ट्रैक मिला जिसके ऊपर हम थोड़ा चलते रहे। लगता है ये इस रास्ते पर खो जाएंगे। जल्द ही जंगल घना हो गया और कमांडोज भटक गए। इनके 45 मिनट बर्बाद हो गए। पूरे एक्चुअली बहुत आइसोलेशन में था, वहाँ किसी कोई पक्षी कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं था। तब तक हम लोग थोड़े से स्विच ऑफ से भी हो गए थे। वो हमारा सबसे लंबा कहूँ तो भयानक ही लग रहा था हमें, क्योंकि नहीं मिल पाएगा ऐसे ही लग रहा था। मोस्ट ऑफ द रूट तो हमें डाउट ही रहा था कि हम सही चल भी रहे कि नहीं। तो फिर तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप किसी सी में घूम रहे हो बिना कंपस के। आपको कोई आइडिया ही नहीं आएगा आप कहाँ पे घूम रहे हो। तो भाई राइट से जाना है। तो वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा था बीच में। वो इस रास्ते पर करीब 1.5 घंटे से हैं और अभी भी चेक पॉइंट का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सोचा कि यार अब तो छूट ही गया, छोड़ो यार क्या फक करना। तो उस मोमेंट पे इट वॉज वेरी डिमोरलाइजिंग। और मुझे तो तब तो नहीं लगा था कि ये मिल पाएगा आज, लेकिन किसी के मन में तो था गिव अप करने के लिए, लेकिन किसी के बाहर नहीं आया हो। अब चाली टू में तनाव बढ़ रहा है। ये एक टाइम होता है कि जब बंदों को गुस्साना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें राठी को बोला था कि यार तू मैप देख ले, ओपन द मैप वंस यू विल कम टू नो, बट राठी कंपास बेयरिंग पे ही चलते हैं। कंपास बेयरिंग थोड़ी देर बाद थोड़ी बहुत रॉन्ग हो ही जाती है। तो वही उस टाइम वी आर एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटेड। चाली टू के पास सिर्फ 45 मिनट हैं, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। कमांडो राठी ने अब टास्क अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने फिर से मैप देखा, सही रास्ता ढूंढा और टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा। अब इनके पास चेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 28 मिनट ही हैं। क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे? That route took a left turn, वो एक फीचर पे चढ़ने लगी और हम सोचा कि चलो थोड़ा और देख लेते हैं। And then as we kept moving, तो हमें एक विलेज मिला। हमें लगा कि थोड़ी एक आशा की किरण होती कि हाँ कुछ मिल सकता है। गांव में पहुंचे रात को, हम श्योर भी नहीं कि वही गांव है। तो राठी घर में पीट रहे, दरवाजा पीट रहे, रात के 3 बज रहे। फिर एक ने बताया उस विलेज का नाम, एंड दैट वी सॉ ऑन द मैप कि अच्छा यही तो है वो विलेज जहाँ हमें जाना था। उन्हें ये जानकर बहुत राहत मिली कि चेक पॉइंट 5 से अब वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। As soon as we went into that village, सबकी बैटरी चार्ज हो गई, everyone was boosted कि हाँ चलो we have hit something, अब तो there's no point leaving it। अभी आगे आएगा ना, तो wait for my junction, ठीक है? मेरे हिसाब से अब भी just थोड़ा सा दूरी पर आना जा जाएं। अब नए जोश के साथ चाली टू ने दौड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उनके पास केवल 10 मिनट ही बचे हैं। वो आखिरकार पहुंच गए। चेकपॉइंट 5 पर वो सुबह 3:30 बजे पहुंचे, बिल्कुल आइडियल टाइम के अंदर। अब इन्हें आखिरी चेकपॉइंट की लोकेशन दी गई है, 0.431। दूरी है 7 किलोमीटर और आइडियल टाइम है 2.5 घंटे। चाली टू के पस्त कमांडोज पिछले करीब 17 घंटों से लगातार चल रहे हैं। ना तो नींद मिली है और ना ही आराम मिला है। हालांकि अब सिर्फ आखिरी चेकपॉइंट ही बचा है
और वो टूटने की कगार पर हैं, पर अब वो पिछली गलतियों को दोहरा नहीं सकते। आखिरकार सड़क का लंबा रास्ता खत्म हुआ और उन्हें अपने आखिरी चेकपॉइंट की लाइट नजर आ गई है। वो आइडियल टाइम से 10 मिनट पहले सुबह 5:22 पर आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंच गए। लाइक अ परफेक्ट एंडिंग टू द एंटायर नेविगेशन जो हुआ हमारे उसके लिए। कमांडोज इस अनुभव और इससे जुड़ी यादों को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस अभ्यास में वो खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। एंड उसके अलावा आई नो कि स्ट्रेस में कौन कैसे बिहेव करेगा, उनमें से किसकी क्या लिमिट है, कौन कहाँ ब्रेक करेगा, कौन कहाँ नहीं ब्रेक करेगा। कपिल आई वुड से इज टीम लीडर, राठी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बाकी गुसाई समवन हु कैन वेरी वेल जेल अप विद द टीम, एंड रेड्डी सर तो इज एक्चुअली अ वेरी गुड गाय, मतलब इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। अभ्यास नवगति में मुश्किलों के बावजूद चार्ली 2 के बेहतरीन प्रदर्शन का मतलब है अभी भी उनके पास इंस्ट्रक्टर ग्रेड हासिल करने का मौका है, पर अभी तो नींद के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा।